दोस्तों, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे एक केटीएम रहेगा और उस पर कोई बैठा हुआ रहेगा एंड ऊपर में आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस तरह की कितने सारे इमेजेस क्रिएट कर रखी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम भी इस तरह का इमेजेस क्रिएट करें, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिना स्किप किए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप लोग इस तरह का इमेजेस क्रिएट करने का प्रोसेस सही से नहीं जान पाएंगे और साथ ही इस प्रकार का इमेजेस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस तरह का इमेजेस क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप का नाम है बिंग ऐप, ठीक है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये बिंग ऐप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप लोग इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना एंड जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बिंग, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बिंग, BING, ठीक है। फिर दोस्तों आपको सर्च कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने जो फर्स्ट नंबर पे ऐप देखने को मिल रहा है बिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस ऐप को ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरे मोबाइल में यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। शायद आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। और दोस्तों, जब आप लोग इसे पहली बार मतलब कि इंस्टॉल करके जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक जीमेल डालना होगा एंड उस जीमेल पे आपको एक कोड आएगा और उस कोड को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिर आपका ये जो बिंग ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। बट दोस्तों, मैंने इस मतलब कि बिंग ऐप को लॉगिन करने का वीडियो नहीं बनाया, आप लोग यूट्यूब पे किसी और का वीडियो देख लेना कि बिंग ऐप को कैसे लॉगिन किया जाता है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों, मैंने जब लॉगिन किया तो बस इतना ही हुआ, मेरे को बस एक जीमेल डालना पड़ा और उस पर एक कोड आया और उस कोड को हमें फिल करना होता है, ठीक है। तब आपका ये जो बिंग ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। फिर दोस्तों, जब लॉगिन होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना है, मतलब कहाँ पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इमेज क्रिएटर का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि दोस्तों जब हम उस तरह का इमेज बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट, जो कि प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रॉम्प्ट जो है मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, इसलिए मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि मेरे पास है एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ से बैक जाना है और बैक जाने के बाद मेरे पास एक ऐप है, उस ऐप का नाम है कीप ऐप, ठीक है। क्योंकि मैं इस कीप ऐप में बहुत सारे नोट बना के रखा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, देखो ये जो आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, इसी प्रकार का आप भी फोटो बना सकते हो, यानी कि इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ से भी आप लोग देख लेना, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आपको देखना है एंड वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको कॉपी पे क्लिक करना है एंड कॉपी पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से बिंग ऐप में चले जाना है, ठीक है। और जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस रखना है 1-2 सेकंड के लिए। अब हमें यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग जैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। बट दोस्तों, क्रिएट पे क्लिक करने से पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। वो चीज़ जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे मेरा नाम है। बट दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे मेरा नाम रहे, जैसे कि देखो यहाँ पे सूरज है, ठीक है, आप लोग इसे एडिट करके यहाँ पे आप लोग अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि मैं वैसे अब अपना नाम देता हूँ SURA, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ से मतलब एडिट करके आप लोग अपना नाम दे सकते हो। और दोस्तों आप लोग इसमें और भी एडिट कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका जो इमेज में रहेगा एक बॉय रहता है, तो उस बॉय का एज कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब कम ज़्यादा जितना भी रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ 17 ईयर यंग बॉय, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग मतलब गर्ल के लिए इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बॉय से हटा के गर्ल कर देना है, ठीक है। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बॉय का बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग गर्ल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग बच्चे के लिए करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे चाइल्ड दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि इसका एज भी कम ज़्यादा कर सकते हो और अपना नाम दे देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना चीज़ करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपका जो इमेज है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम फटाफट क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों आप लोग जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वेट करना होगा और फिर आपका इमेज जो है बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि इमेज बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इमेज जो है बन के तैयार भी हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने चार प्रकार का इमेज आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सभी इमेज पे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो इमेज है वो कितना मतलब कि ब्यूटीफुल देखने को मिल रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एक KTM है एंड उस पर कोई बैठा हुआ, ठीक है, और पीछे में आपका नाम है। बट दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मतलब इमेज है उसके पीछे जो नाम है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आप लोग मतलब कि एक दो बार और क्रिएट कर लेना जिससे आपका नाम जो है वो सही हो सकता है। देखो क्योंकि इस इमेज में मेरा नाम जो है वो गलत हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ इस इमेज में मेरा नाम जो है वो सही है, ठीक है। यानी कि कुछ इमेज में हमारा नाम जो होता है वो गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको घबराना नहीं है, फिर से आपको क्रिएट कर देना है। इससे होगा ये कि आपका जो इमेज है वो फिर से आ जाएगा, ठीक है, और आपका उसमें फिर से सही भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो हमारा दूसरा इमेज है और ये भी कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा इमेज दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी मेरा नाम जो है वो गलत हो चुका है, बट टी शर्ट में मेरा नाम सही है लेकिन पीछे जो है वो गलत हो चुका है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से मतलब कि आप लोग नाम को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो है हमारा तीसरा इमेज है, ठीक है। अब मैं आपको चौथा इमेज दिखाता हूँ। ये है हमारा चौथा इमेज, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग मतलब जितना बार क्रिएट करोगे ना उतना बार आपको नया नया इमेज आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बार और इमेज मतलब कि क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे होगा हमारा इमेज जो है वो दोबारा नया आएगा, ठीक है। मैं अभी क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और फिर से आपको वेट करना है थोड़ा सा और हमारा इमेज जो है बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इमेज जो है बन के तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिर से चार इमेज आया, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक एक करके। ये हमारा पहला इमेज है एंड ये हमारा दूसरा एंड ये हमारा तीसरा इमेज है एंड ये हमारा चौथा इमेज है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग जितना बार क्रिएट पे क्लिक करोगे उतना बार आपका इमेज जो है वो नया नया बन के आएगा, ठीक है। बट दोस्तों नाम का मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो मतलब कि AI में दोस्तों आपका नाम जो है वो ख़राब भी हो सकता है। बट दोस्तों आपको घबराना नहीं, आप लोग मतलब आप लोग कैपिटल में नाम दे सकते हो, ठीक है। कैपिटल में देने से होता ये कि आपका नाम जो है वो दिखता है, ठीक है। जैसे मैं आप देता हूँ SUNRAG, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे सब चीज़ कैपिटल में दे दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारा नाम जो है वो सही आया या फिर नहीं है, ठीक है। फिर से दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इमेज जो है फिर से बन के आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके फिर से। देखो दोस्तों ये जो है हमारा पहला इमेज है जो कि इसमें नाम हमारा सही है, पीछे आपको दिख रहा होगा ऊपर में SURAG, ठीक है, इसमें नाम हमारा सही है। मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में भी हमारा नाम जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग जब नाम दे रहे हो तो आपका जो नाम है वो कैपिटल में रहे, इससे आपका नाम जो होता है वो सही से दिखता है, ठीक है। फिर मैं आपको तीसरा इमेज दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों हमारा इसमें भी और भी अच्छा आया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग अलग अलग नाम के इमेज मतलब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इस इमेज को यानी कि किसी भी इमेज को अगर डाउनलोड करना चाहते हो भी अपने मोबाइल में, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और फिर से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है
और आप लोग जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये इमेज जो है आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा यहाँ से इमेज को डाउनलोड करने का, ठीक है। अब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल के गैलरी में वो फ़ोटो आए या फिर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ से बैक जाना है, और दोस्तों बैक जाने के बाद हमें अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ जो कि इमेज डाउनलोड हुआ या फिर नहीं, ठीक है। हमें गैलरी में जाना है, और गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट नंबर पे ये जो इमेज देखने को मिल रहा है ये वही इमेज है जो बिंग ऐप में था, जो कि मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया और ये इमेज जो है मेरे मोबाइल के गैलरी में सेव हो गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग वहाँ से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इस तरह का इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि हमें इस तरह का इमेज कैसे बनाना है, यानी कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को और भी इस तरह के इमेजेस वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप लोग इस वीडियो को देख के इमेज को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।